नंदी महाराज। नमस्कार दोस्तों, भोले बाबा की नगरी काशी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरे सामने इस द्वार को मणिकर्णिका द्वार कहते हैं। दोस्तों बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक दाहिनी ओर ये मणिकर्णिका द्वार है, जो कि सीधा मणिकर्णिका घाट की ओर जाता है। तो दोस्तों आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसी है मणिकर्णिका गली, और तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये माँ शीतला का मंदिर है, और दोस्तों ये जो नल आप देख रहे हैं, दोस्तों ये सबसे पुराना नल है बनारस का। और दोस्तों इस नल का पानी बेहद शीतल और बहुत ही ठंडा है। कभी आप मणिकर्णिका गेट पर आइएगा तो इस नल से पानी ज़रूर पीजिएगा। दोस्तों गलियों में ये आज संडे है, जिसके वजह से बहुत सी दुकानें बंद हैं। आमतौर पर ये गली बहुत भीड़ भाड़ वाली रहती है। दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं ये खोवा गली है। दोस्तों इस गली में बस आपको खोवा की दुकानें दिखेंगी। आइए आपको कुछ खोवा की दुकानों को दिखाते हैं। दोस्तों ये बनारस का खोवा गली है, जहाँ पे आपको खोवा मेवा और बनारस में आपको कभी भी ताजे पनीर और खोए की ज़रूरत पड़े तो आप इस खोवा गली में कभी भी बेहिचक आ सकते हैं। आपको यहाँ 365 दिनों में हर दिन आपको खोवा ही खोवा मिलेगा। तो दोस्तों ये बनारस का खोवा गली था, जो कि मणिकर्णिका गली के अंदर ही है। तो चलिए अब दोस्तों अपने आगे का सफ़र चालू करते हैं। दोस्तों ये मणिकर्णिका घाट की ओर रास्ता जाता है। दोस्तों बनारस की गलियों में आप कभी भी बोर नहीं होंगे। दोस्तों बनारस की गलियां हमेशा व्यस्त रहती हैं, अपने एक अलग ही रंग में, अपने एक अलग ही ढंग में। बनारस की गलियों का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही पुराना मंदिर आप देख सकते हैं। बनारस में हर 10 कदम पर आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये श्यामा मंदिर है, रानी चंद्रावती, लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर ये है। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। आप देख रहे हैं मणिकर्णिका गली। संडे होने के बावजूद गली में काफ़ी चहल पहल है। दोस्तों इन गली के लोगों को अब शव देखने की आदत हो चुकी है। लगभग हर 5 मिनट या 2 मिनट पे यहाँ से एक शव गुजरता है। तो जब मैं इस गली के कुछ लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि इस गली से हर 5 या 2 मिनट पे लाशें गुजरती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस गली के लोगों को एक आदत सी हो चुकी होगी इन लाशों को देखना। दोस्त
दोस्तों यहाँ मार्क लगाया हुआ है मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता। दोस्तों ये घर देखिए काफ़ी पुराना लग रहा है, ये दरवाज़ा बनारस की गलियों में एक अलग सी ठंडक है। यहाँ धूप की रोशनी गलियों के संकरे होने के कारण पहुँच नहीं पाती है और जिससे गली का वातावरण काफ़ी ठंडा रहता है, जिसे मैं यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकता हूँ। नंदी महाराज तो मेरे सामने आप देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है जहां अभी काम चल रहा है और अभी कार्य यहां प्रगति पर है। और देख सकते हैं का ये रास्ता भी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर चला जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मणिकर्णिका घाट पर ही विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली भी खेली जाती है, जहाँ भगवान शिव के भक्त शमशान में जली हुई चिताओं के राख से होली खेलते हैं। तो वह काफ़ी देखने में रोमांचक होता है और आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लकड़ियां काफ़ी बिक रही हैं। दोस्तों ये लकड़ी का बाज़ार है जहाँ लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। ये टन के भाव से यहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं, अलग अलग पेड़ की लकड़ियों के अलग अलग भाव हैं। और दर्शन करिए महाशमशान मणिकर्णिका घाट का। दोस्तों ये मणिकर्णिका गली है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखला दूं, दोस्तों शव में आग देने के लिए जो आग होता है उसे यहीं से लिया जाता है, यही वो ज्वाला है जो कभी बुझती नहीं है और इस ये आग सदियों से कभी बुझी नहीं है। और कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पर कभी लाशें या कह सकते हैं आप आग मणिकर्णिका घाट का कभी बुझा नहीं है सदियों से, तो काफ़ी रोमांचक है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों ये काफ़ी पुराना। दोस्तों ये बाबा महाशमशान का मंदिर है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। दोस्तों अंदर से आप देख सकते हैं और दोस्तों ये बाबा महाशमशान का मंदिर जहां आप देख सकते हैं एक शिवलिंग भी है। श्री काशी बाबा महाशमशान नाथ मंदिर जो कि मणिकर्णिका घाट पर है,
और दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है और ये सामने रैंप भी बन रहा है। दोस्तों मेरे सामने ये जो भवन देख सकते हैं ये बिरला भवन है और अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि इसको भी गिराया जाएगा कॉरिडोर के काम के तहत, मगर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसको भी गिराया जाएगा। और ये मणिकर्णिका घाट यहाँ इसे भोजन देते दोस्तों। यहाँ लाशों के जलाने का काम डोम राजा करते हैं जो कि काशी के डोम राजा लोग होते हैं, बिना उनके यहाँ आदेश के यहाँ कोई लाश नहीं जलती है। काम चलने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बरसात के मौसम में जब पानी बहुत ही ऊपर आ जाता है तो लाशों को इन दो मंजिला इमारतों में दाह संस्कार किया जाता है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये वही इमारतें हैं जब बाढ़ का पानी बहुत ऊपर आ जाता है तो यहाँ लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है जिसे आप देख सकते हैं। मेरे सामने ये मंदिर, दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं ये बिरला भवन है और ये सामने बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम चल रहा है और ये जलती हुई चिताएं मोक्ष की ये नगरी काशी। यहाँ आपको बहुत दूर दूर से लोग मिलेंगे जो जिनकी अंतिम इच्छा रहती है कि वो काशी में जाकर मरें। लोगों बहुत से लोग काश अपने अंतिम समय में काशी आ जाते हैं ताकि वे अपने काशी में अपने प्राण को त्याग सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों काशी में मरना भी एक सौभाग्य का बात होता है और हम तो वहाँ जीते हैं और मोक्ष की नगरी काशी बेहद ही खूबसूरत और दोस्तों ये श्री तारकेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको मणिकर्णिका कुंड। दोस्तों ये काशी का मणिकर्णिका कुंड है। दोस्तों भगवान विष्णु जी जब काशी में हजारों वर्ष तक तप किए तो उनके चक्र से ये कुंड का निर्माण हुआ और आपको बता दें कि इस कुंड का निर्माण विष्णु भगवान के चक्र से हुआ। और भगवान शिव भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ इस कुंड में स्नान किया तथा तभी नहाते वक्त जब माता पार्वती का कुंड इसमें गिर गया उसी समय से इसका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ गया।